हेलो, क्या आप लोग भी न्यूजीलैंड में सेटल होना चाहते हो? कोई इजी वे ढूंढ रहे हो सेटल होने का, या कोई फास्टेस्ट वे देख रहे हो कि न्यूजीलैंड में कैसे आपको रेजिडेंस मिल सकती है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रोफेशन जहां न्यूजीलैंड आपको डायरेक्ट रेजिडेंस ऑफर करता है या वर्क टू रेजिडेंस ऑफर करता है। उसका मतलब आप प्रोफेशन में थोड़े टाइम के लिए काम करके रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी वे है और काफ़ी फास्ट वे है न्यूजीलैंड में सेटल होने का। एक बेनिफिट और है स्ट्रेट टू रेजिडेंस का, कि अगर आप न्यूजीलैंड में हो या नहीं भी हो, आप ओवरसीज से भी रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से वर्क वीजा है और आप टायर वन कैटेगरीज में फॉल करते हो। तो इजी रेजिडेंस चाहिए न्यूजीलैंड में, तो आपको ग्रीन लिस्ट रोल देखने चाहिए। नाउ ग्रीन लिस्ट रोल क्या होता है? वो बेसिकली इन डिमांड रोल्स हैं जो जिनमें न्यूजीलैंड को रिक्वायरमेंट है और जहां वो लोगों को बुलाना चाहता है कंट्री में। नाउ इसमें ग्रीन लिस्ट रोल्स में तो बहुत सारे प्रोफेशन है, बट इमिग्रेशन ने जनरली इनको दो टायर्स में बांटा हुआ है। टायर वन है जो स्टेट टू रेजिडेंस है, मतलब आप पहले ही दिन से जैसे आपको पास जॉब ऑफर होती है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से, आप उसी दिन से रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं, गिवन कि आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। एंड टायर टू होती है वर्क टू रेजिडेंस, उसमें एक टाइम लिमिट होती है जो जनरली 24 मंथ्स है। अगर आप 24 मंथ्स एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, उसमें कुछ फिक्स पे रेट होता है जिसपे आपको बेसिकली एटलीस्ट मिनिमम उतना पे रेट पे काम करना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए रेजिडेंस के लिए। दोनों ही सिनेरियो में रेजिडेंस मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो दूसरे रेजिडेंस के फॉर्मेट हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें प्रोफेशन कौन से आते हैं। वैसे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे जाके आप उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इनमें होता क्या है, तो अगर टायर वन की बात करें स्टेट टू रेजिडेंस, तो ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे अगर आपको इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या रजिस्टर्ड नर्स हो, सर्जिकल एक्सेट्रा, तो इन केसेस में आप टायर वन में फॉल करते हो और आप स्ट्रेट टू रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो या एलिजिबल होते हो। इसकी और क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उस पर जाके आप स्टडी कर सकते हो कि बेसिकली क्योंकि कुछ प्रोफेशन के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है और कुछ के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। तो टायर टू है, इसमें आपको एटलीस्ट अराउंड 24 मंथ्स एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के लिए काम करना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। इसमें कौन से प्रोफेशंस आते हैं? इसमें जनरली आते हैं आपके इलेक्ट्रिशियन हो गए, गैस फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, डेयरी फार्म मैनेजर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया। सो काफ़ी सारे प्रोफेशन है इस लिस्ट में जो आपको इजीली पाथवे दिला सकते हैं रेजिडेंस का न्यूजीलैंड में, या टू इयर्स के बाद अगर आप जो वेज रिक्वायरमेंट है, जो स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बाकी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी इन प्रोफेशंस में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हो, तो आप इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़ो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके, क्योंकि मैं भी आप एलिजिबल हो स्ट्रेट टू रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, या टू इयर्स काम करके आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आप। आई होप गाइज ये क्विक इन्फो आपके काम आएगी और ये आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो। एज यूजुअल अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में या इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हो या कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।